हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेबल बिंगो गेम की। ये दोस्तों हम एक 50 फैमिली गेम्स की एक सीरीज बना रहे हैं, ये उसका पार्ट है। दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नई नई गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो ये गेम को आप इंडोर में बैठ के नहीं खेल सकते हो, जब हम कभी बाहर जा रहे होते हैं तब इसको हम खेल सकते हैं। तो जैसा कि मतलब कार की सीट के पीछे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको ये गेम पकड़ा दिया और वो इसको खेलने लगे, तो इसके अंदर कोई डाइस वगैरह कुछ नहीं होती है। तो इस गेम को दो ही प्लेयर खेल सकते हैं, हर प्लेयर को पाँच पाँच टोकन्स दिए जाते हैं। तो उन्हें पाँचों जो टोकन्स होते हैं वो एक सीरीज में जमाने होते हैं। पहला तो हम इसका टारगेट समझ लेते हैं, या तो इस तरीके से, ये तो हॉरिजेंटल या फिर आपका वर्टिकल, या फिर प्लेयर को जमाना पड़ेगा डायगोनल। तो इस तरीके से तो इस गेम को जीता जाता है। अब रखने का तरीका ये है कि जैसे दोनों प्लेयर साथ में सफ़र कर रहे हैं, तो किसी एक प्लेयर को यदि मान लो सिंबल दिख जाता है, जैसे उसको दिख जाता है स्पीड लिमिट, जैसे रेड प्लेयर को दिख जाता है स्पीड लिमिट 50, तो वो यहाँ पे इसको रख सकता है। अब जैसे मान लेते हैं हम इस प्लेयर को दिख जाता है स्टॉप का साइन, तो वो स्टॉप पे रख सकता है। मान लो दोनों प्लेयर को एक साथ दिख गया, जो प्लेयर पहले रख देगा उसी का वैलिड होगा। जैसे वन वे दिख गया, तो रेड प्लेयर को दिख गया, दिखा दोनों को एक साथ में, जैसे वन वे दिख गया और दोनों को एक साथ दिख गया, लेकिन रख किसने दिया, रेड ने, तो इसलिए रेड का माना जाएगा। दोस्तों मुझे इस गेम के अंदर प्रॉब्लम ये लगी कि ये गेम हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है खेलना हर जगह पे, क्योंकि इतने ज़्यादा साइन लगे हुए नहीं होते हैं। आप कुछ डेवलप्ड कंट्री के अंदर तो हर जगह साइन लगे हुए होते हैं। तो उसका मैंने एक तोड़ निकाला है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हम हमारे रास्ते में हमको जो लगता है कि सबसे ज़्यादा हमको साइन बोर्ड मिलते हैं, उसके तरीके से हम स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। आप एक साइन बोर्ड को दो दो तीन तीन जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज करके इसको बना लीजिए, फिर आराम से हमारे यहाँ पे भी ये वाला गेम खेला जा सकता है। तो ये तो हमने इसी की कॉपी बना दी, लेकिन आप जो चेंज करना चाहो उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों की, या फिर बच्चे खुद भी इसको बना सकते हैं। कि मैं बात कर लेता हूँ कि जैसा मान लो किसी प्लेयर के यदि पांचों टोकन्स भर गए हैं, लेकिन पांचों टोकन्स अलग अलग जगह पे उसके लग गए हैं, तो फिर प्लेयर क्या कर सकता है, किसी जब उसका नेक्स्ट टाइम उसको दिखेगा तो वो अगर चाहे तो जो उसका टोकन उसका काम नहीं आ रहा हो तो वो उसको हटा के उसे अपनी जगह पे सही जगह पे उसको लगा सकता है। तो इसलिए पहले ही लगाते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हम सही जगह लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेबल बिंगो में इतना सा ही है। तो यदि आपको गेम समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।